वीरेंद्र सहवाग को आखिर क्यों गुस्सा आया? इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में सुपर संडे के दिन दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने को मिला, जब किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला टाई हो गया। मैच में दिल्ली ने मार्कस स्टोनिक की मात्र 21 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनी 53 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी ने के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, जबकि पंजाब ने भी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए और अब मैच टाई हो गया। अंपायर की गलत डिसीजन की वजह से ये मैच टाई हो गया, नहीं तो किंग इलेवन पंजाब ये मैच आराम से जीत जाता। मैच के अंपायर नितिन मेनन के फैसले पर सहवाग ट्वीट करके गुस्सा होकर कहा कि निकोलस पुरन का तो 2 बार चूरन निकाल दिया, लेकिन मैन ऑफ द मैच की चॉइस से सहमत नहीं हूँ। जिस अंपायर ने ये शॉर्ट रन दिया वो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था, ये शॉर्ट रन नहीं था और इसी ने मैच का अंतर पैदा किया। आई डोंट एग्री विद द मैन ऑफ द मैच चॉइस, द अंपायर हु गिव दिस शॉर्ट रन शुड हैव बीन मैन ऑफ द मैच, शॉर्ट रन नहीं था एंड दैट वाज द डिफरेंस, हैशटैग दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग इलेवन पंजाब, ये उनका ट्वीट था। ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने अंपायर पे भड़के थे, कुछ लोगों ने सुपर ओवर का मैच बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि किंग इलेवन पंजाब सिर्फ 2 ही रन बना पाई थी 2 विकेट पर, वहीं 2 बॉल पर ही अपना दिल्ली कैपिटल ने आराम से मैच जीत लिया था। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, अंपायर की गलती की ही वजह से दिल्ली कैपिटल जीत पाई, नहीं तो किंग इलेवन पंजाब आराम से जीत जाती? मयंक अग्रवाल 89 रन मार के भी उनकी टीम हार गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा